भाई मम्मी पापा और गोविंद जो है वो बाहर से नहीं आने वाले हैं, और अभी जो है हम आप लोग भी इंतज़ार कर रहे हो कितना दिन से, और हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन भाई सच्चाई यही है कि वो लोग बाहर से भाई नहीं आने वाले हैं। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। गाइस अभी शाम हो चुके हैं और यहाँ पर देखो शाम के 6:35 हो गए हैं, और भाई दो दिन से लाइट यार कटा था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। मोबाइल जो है 7% चार्ज सिर्फ था, और अभी जस्ट आधे घंटे पहले जो है लाइट आया है तो 20% मोबाइल चार्ज किया हूँ, और चार्ज करने के बाद से अपना फिर से व्लॉग अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो भाई साहब डेली प्लानिंग कर रहे हैं कहीं घूमने जाने के लिए, लेकिन प्लान भाई सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, लेकिन 1 से 2 दिन के अंदर कहीं ना कहीं निकला जाएगा घूमने के लिए पूरी फैमिली के साथ, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो अभी शाम हो गए हैं तो खाना बनने की तैयारी जो है हमारे घर हो रही है, तभी देखते हैं खाने में बन क्या रहा है। दोस्तों आज खाने में आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बना रहे हैं और रोटी बनाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा गर्मी है पराठा भी नहीं बना सकते, इसलिए अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लाइट कट गया क्या? हाँ लाइट भाग गया। आप और मोटर दोस्तों ये क्या किए हैं, मोटर में टंकी में पानी चढ़ रहा था, मोटर बंद किए, ब्लॉक बन रहा था इसमें आवाज आ रहा था, और देखिए लाइट भाग गया। अभी नहाने जा रहे थे, पानी तो है नहीं, नल चलाइए। लाइट भाई भाग गया और जो बैटरी है इन्वर्टर वो भी लो हो रहा होगा। हाँ, और इधर देखो आटा जो है वो साना जा रहा है, अभी रोटी बनेगा। और यहाँ पर सब्जी किस चीज़ का है? आलू बैंगन टमाटर की सब्जी है ये। हाँ चलो, तो दोस्तों यहाँ देखिए कौन आ गया, लाडो। और लाडो की बुआ। हम सिर्फ लाडो बोले और ये लाडो की बुआ बोली है, हमको पता ही नहीं चला लाडो की बुआ। बाय बोल दो लाडो। तन चाचू बुला बेटा, चाचू को। चाचा किधर है? चाचा दादा। लाडो अभी देखिए। हाँ तो लाडो अभी दोस्तों अभी अपनी बुआ के साथ मजे से खेल रही है, क्योंकि अभी शाम हुआ है, खाना बना रहा है तो इनकी बुआ ही ली रहती हैं। तो दोस्तों ये देखिए प्यारी सी परी अभी आँख बड़ा बड़ा करके देख रही है, कैसे देखिए। सृष्टि नाम है, परी नाम नहीं है। और इधर ओम बाबू ये देखिए पंखा चालू कर रहे हैं, खाली ये पंखा ही चालू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ओम बाबू फर्स्ट क्लास के यहाँ पे बिस्किट लिए हैं पार्ले जी, जो कि अभी जा रहे हैं खाने। अय ओम हमको दो, मामी को बेटा। अय ओम मामी को दो। हाँ। नहीं खा लो बेटा ये लो। तो दोस्तों ये देखिए अपने मामी को दे रहे हैं लाडो। लाडो भी बैठी एक बिस्किट लेकर के, इधर मनीषा बनी झगड़ा कर रही थी अभी बिस्किट के लिए। खिलाने जा रहे हैं लाडू को। पापा। तो भाई साहब अभी जो है टाइम लगभग रात के 8 बज गए हैं और खाना वगैरह बन के पूरा रेडी है, और यहाँ पर देखो खाने में क्या क्या आया है। दूध है और ये आलू बैंगन की सब्जी और रोटी। और अभी हम चल रहे हैं खिलाने हस्बैंड को, रोटी अभी हाथ में लिए हैं, क्योंकि लाडू सोई है इसलिए इनको खिला दें। जब लाडू जगी रहती है परेशान कर दी तो नहीं खिला पाते हैं। यहाँ पर देखो लाडू एकदम मस्त सोई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई अभी सुबह हो चुके हैं और सुबह के बज गए हैं भाई 10, और सुबह सुबह देखो भाई धूप कितना तगड़ा वाला हुआ है। और अभी आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। तो भाई गाड़ी पूरी तरीके से यहाँ पर कवर कर दिए हैं ढक के, क्योंकि अभी गाड़ी से तो कहीं आना जाना है नहीं इसी वजह से, और धूप काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। बाहर देखो मौसम यार, पैर नीचे ज़मीन पर जल रहा है पूरा। और इधर देखो भाई पूरा एकदम गन्ने के बगल में खेती हुई है। भाई ये मेरा नहीं है, किसी और का, ये किसान लोग हैं जो कि खेती यहाँ पर करते हैं, और सब इन्हीं लोग का ज़मीन है, और काफ़ी ज़बरदस्त गन्ना हुआ है, काफ़ी मस्त लग रहा है यहाँ का व्यू अभी। भाई आप सबका कमेंट आ रहा था कि मम्मी पापा और गोविंद जो है बाहर से क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उनके बारे में गाइस आज हम बताने वाले हैं कि क्या रीज़न है कि वो लोग बाहर से क्यों नहीं आ रहे हैं। भाई मम्मी पापा और गोविंद जो है वो बाहर से नहीं आने वाले हैं, और अभी जो है हम आप लोग भी इंतज़ार कर रहे हो कितना दिन से, और हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन भाई सच्चाई यही है कि वो लोग बाहर से भाई नहीं आने वाले हैं। गाइस क्यों नहीं आने वाले हैं ये आपको हम बताते हैं। तो रीज़न यही है बाहर से न आने का, क्योंकि जो है भाई अभी बारिश का मौसम वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। अभी बरसात पूरा मुंबई में पूरा बारिश हो रहा था। आपको पता है कि 2 से 3 महीने पहले हम लोग भी गए थे मुंबई घूमने के लिए, काफ़ी वहाँ पर अच्छा लगा था। और इस टाइम का समय ऐसा है कि पूरा मतलब दिनों दिन मतलब एक टाइम भी जो है ऐसा कभी नहीं आ रहा है कि बारिश रुक रहा है। 1 से 1.5 महीने से जो है मुंबई में बारिश लगातार होता ही जा रहा है, और यही रीज़न है। और गोविंद का रहा क्या बात में, तो गोविंद भी एक अपना लाइन पकड़ा हुआ है, पता नहीं किसी फिल्म लाइन का, तो वही रीज़न है कि गोविंद भी नहीं आ रहा है और पापा भी नहीं आ रहे हैं। और जब गोविंद और पापा आएंगे तो ही फिर जो है मम्मी उनके साथ आएगी। और फ़ोन करके पूछे हम लोग तो वो लोग बता रहे थे ये चीज़ कि लगभग 2 से 3 महीना भी और लग जाएगा उनको घर आने में। दोस्तों हम भी मम्मी के पास फ़ोन किए थे आज से 1.5 महीने पहले, हम मम्मी से पूछे थे तो मम्मी बोल रही थी कि 1.5 महीने के बाद आएंगे, लेकिन हम फ़ोन किए थे कल के डेट में शाम के समय, तो मम्मी बोल रही है कि अभी नहीं आ पाएंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, पापा भी नहीं आ रहे हैं, गोविंद बाबू नहीं आ रहे हैं, इसलिए मम्मी जी नहीं आ पा रही हैं अभी।
मम्मी का तो बहुत याद आता है, पापा का भी याद आता है। गोविंद तो रहता था तो हमसे इतना लड़ाई करता था, उसका सबसे ज़्यादा याद आता है क्योंकि वो बहुत हमसे लड़ाई करता था। और अब वहाँ पे गया है तो सिर्फ वीडियो कॉल से बात होती है और कॉल से भी होती है, लेकिन बोले हैं कि आ जाओ गोविंद जल्दी। अब तो बोल रहा है कि आएंगे दीदी एक दो महीना बाद। मम्मी से भी बोले तो मम्मी कह रही है कि आएंगे। प्रेम बाबू गोविंद बाबू जगह पे प्रेम बाबू झगड़ा करते हैं। हाँ ये तो है, प्रेम तो लड़ता है। तो भाई साहब अब ये रहा प्रेम, प्रेम से पूछते हैं कि अभी इसको मुंबई जाना है कि नहीं जाना है। मुंबई चलो, मुंबई तो जाऊंगा लेकिन अभी 10 का पढ़ाई चल रहा है ना, पेपर आने वाला है फरवरी में, इसीलिए नहीं जा पा रहे हैं, कहीं घूमने भी नहीं जा पा रहे हैं, घर पे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और स्कूल जाएंगे बस। फिर मम्मी का भी याद आता है लेकिन मम्मी बोलती है 11 क्लास में आना ना तो कुछ दिन के लिए आना घूमने के लिए। तो भाई यही रीज़न है कि मम्मी पापा गोविंद भाई बाहर से जो है नहीं आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि 2 से 3 महीने के अंदर हो जो है वो जल्दी आ जाएंगे। तो अभी टाइम जो है 11 बज चुके हैं, खाने का टाइम भी हो चुका है, तो चलो अभी खाना खाते हैं। और यहाँ पर देखो खाना बन के पूरा रेडी है, खाने में है ये सोयाबीन आलू का सब्जी और साथ में टमाटर और यहाँ पर जो है मूली का सलाद है और साथ में रोटी है। इधर लाडो को देखिए क्या कर रही है। लाडो सोई थी और देखो अभी उठ गई, मुस्किया रही है, हंस दो। तो भाई साहब खाना वगैरह हो चुका है, हमारा भी आ गए फिलहाल अपने स्टूडियो में काम करने के लिए। तो ये देखो कि इतना सारा सामान बिखरा पड़ा है, कल रात को जो है स्टूडियो पूरा साफ किया था। यहाँ पर देखो जो भी धूल मिट्टी था वो सारा का सारा अभी हट चुका है, पूरा स्टूडियो साफ है। ये अभी तक जो है देखोगे तो पर्दा पूरा ऊपर लटकाए हैं क्योंकि नीचे पूरा झाड़ू वगैरह लगा था और पानी से इसको पोछा मार के बढ़िया से इसको सफाई प्रेम जो है वो किया था। और अभी जो है स्टूडियो काफ़ी एकदम मस्त लग रहा है, तो अभी जा रहे हैं फिलहाल हम अपना काम करने। तो आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताना, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।